डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डे नंबर 9 में यूनिट नंबर 2, सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैनी पीपल ओवर द एज ऑफ 50 हैव टू वियर स्पेक्टेकल्स फॉर रीडिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ लेंसेज विल दी स्पेक्टेकल्स हैव, एक्सप्लेन। वो लोग जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा हो जाती है, उनको लेंसेज वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है या ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उनको ये लेंसेज या ग्लासेस जो है वो किस लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं और ये किस तरह के होते हैं। मतलब लोगों की, कुछ लोगों की नज़र जो है वो दूर की ज़्यादा कमज़ोर होती है, कुछ लोगों की करीब की। तो वो लोग जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर हो उनको किस तरह के लेंसेज इस्तेमाल करने चाहिए और जिनकी करीब की हो उनको किस तरह के लेंसेज इस्तेमाल करने चाहिए। तो इन अ लॉन्ग साइटेड पीपल लाइट फ्राम अ नियर ऑब्जेक्ट ब्रॉड अबाउट इन टू फोकस बिहाइंड द रेटिना। ये जो लॉन्ग साइटेड पीपल होते हैं उनको दूर की नज़र उनकी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन करीब से जो चीज़ें होती हैं उनको सही तरह से नज़र नहीं आती, क्योंकि रेटिना जो हमारी साइड की बैक साइड पे एक सेंसरी एरिया जहाँ पे जाके किसी चीज़ का इमेज बनता है, यहाँ पे जाके किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज सही तरह से नहीं बन पाता है, बल्कि रेटिना से पीछे किसी चीज़ का इमेज बनता है जिसकी वजह से हमें क्लियर नज़र नहीं आता। मतलब दूर की नज़र जो है ऐसे इंसान की सही होती है और करीब की जो होती है वो सही नहीं होती। दिस डिफेक्ट ऑफ वीजन इज करेक्टेड बाय वेरिंग कन्वर्जिंग और कन्वेक्स लेंस। और इस तरह की आई साइड वीक जो हो उसको कनकेव या कन्वेक्स लेंसेज की मदद से जो है ना वो, सॉरी, कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंसेज की मदद से जो है वो करेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट साइडनेस एंड लॉन्ग साइडनेस एंड व्हाट कॉजेज दिस डिफेक्ट्स ऑफ वीजन एंड हाउ दे आर करेक्टेड। शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये किस वजह से होती है, हमने ये बताना है। तो अभी मैं बात कर रही थी शॉर्ट साइडनेस वो पीपल होंगे जिनकी दूर की नज़र जो है वो कमज़ोर होगी और करीब की जिनकी दुरुस्त होगी, और लॉन्ग साइडनेस वो होंगे जिनको दूर से सही नज़र आता है लेकिन करीब से धुंधला नज़र आएगा, सही जो है क्लियर नज़र नहीं आएगा। शॉर्ट साइडनेस इज यूजुअली कॉज्ड बाय आई बाल दैट आर टू लॉन्ग। ये शॉर्ट साइडनेस जो है इसकी वजूहत क्या है कि आई बाल जो हमारी आई है, ठीक है, ये बाल मा स्ट्रक्चर है, तो इस ये क्या होती है बहुत बड़ी हो जाती है। सो दैट लाइट फ्राम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, के जो दूर से किसी चीज़ का इमेज जो है वो रेटिना के फ्रंट पे बनता है। शॉर्ट साइडनेस इज करेक्टेड बाई वेरिंग डाइवर्जिंग और कनकेव लेंस। कहता है कि शॉर्ट साइडनेस को जो है वो कन्वर्जिंग या कनकेव लेंस की मदद से क्या किया जा सकता है, दुरुस्त। उसके बाद लॉन्ग साइडनेस है, लॉन्ग साइडनेस ऐसे पीपल होंगे जिनको करीब से नज़र नहीं आएगा सही तरह से और दूर से सही नज़र आता है, और ये ऐसे लोग होंगे जिनकी जो है वो क्या होगी कि आई बाल क्या होगी शॉर्ट, और लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉड टू फोकस ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर फोकस करती है, बट फ्रॉम अ क्लोज ऑब्जेक्ट इट इज़ फोकस बिहाइंड द रेटिना। लेकिन जो करीब की चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं कि रेटिना के पीछे जाकर उनका इमेज बनता है, जिस तरह से वो क्लियर इमेज नहीं बनता है, और ऐसी आई साइट को जो है वो कन्वेक्स लेंस की मदद से करेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, वाई वुड बी डेंजरस फॉर समवन विद फॉल्टी सेमी सर्कुलर कैनाल राइट फॉर अ बाइसाइकिल। अगर किसी कोई इंसान ऐसा है जिसकी सेमी सर्कुलर कैनाल, मतलब ये कान का जो है ना अंदरूनी हिस्सा है, ये सही तरह से काम ना करे और वो बाइसाइकिल के ऊपर राइड कर रहा हो, सफ़र कर रहा हो, तो क्या इसकी वजह से उसको कोई खतरा हो सकता है। इट वुड बी डेंजरस फॉर समवन विद फॉल्टी सेमी सर्कुलर कैनाल टू राइड अ बाइसाइकिल बिकॉज इट इज इन द सेमी सर्कुलर कैनाल दैट सेंस इज बैलेंस इज लोकेटेड। कहते हैं जो हमारे सेंस ये सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, ये हमारे कान का वो हिस्सा हैं जो हमें किसी चीज़ के ऊपर जो है जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, या हम बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं या बाइसाइकिल चला रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारे खुद को बैलेंस रखने के लिए जो है ना वो, जब हम अपने आप को बैलेंस रख रहे होते हैं तो ये असल में वर्क जो है वो कौन कर रहा होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो अगर किसी इंसान की सेमी सर्कुलर कैनाल जो है फॉल्टी या ख़राब हो गई हैं या एग्जैक्टली वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो वो इंसान बाइसाइकिल को सही तरह से बैलेंस नहीं कर पाएगा है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपकी डायरी में जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़े हैं उनको आपने याद करना और इसको अपने समर टास्क पर आपने नोट करना है। थैंक यू।